एक बार जंगल में हाथी और गेंडे की लड़ाई हो रही थी और चूहा हाथी के साइड से जाके खड़ा हो गया और ये बोला कि मैं हाथी को लड़ाई में कुछ होने नहीं दूंगा। हाथी और गेंडे के बीच में बहुत टफ फाइट हुई और आखिर में हाथी जीत गया। और जंगल के जानवरों ने ये बोला कि चूहा हाथी के साइड से खड़ा था इसलिए हाथी जीता। कोई सेंस है इस बात की? आज की डेट में सुशांत सिंह राजपूत के भावुक फैंस उस हाथी की तरह है जो किसी भी एक्टर या नेता का करियर खत्म कर सकते हैं। पीआर टीम के पैसे वाले ताकतवर लोग इस कहानी में गेंडे की जगह हैं और इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स जो सुशांत सिंह राजपूत का नाम इस्तेमाल करके टीआरपी और व्यूज लपेटना चाहते हैं वो उस चूहे की तरह है जो पूरी लड़ाई में हाथी के पीछे खड़ा रहता है लेकिन जीत का क्रेडिट उसे भी मिलता है। मैंने एक महीने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक यूट्यूबर अनुराग बिस्ट को एक्सपोज किया था। पिछले एक महीने से कंटिन्यूसली उसके फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ये लिख रहे हैं कि अगर अनुराग सुशांत के लिए खड़ा नहीं होता तो उसे इंसाफ नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल वैसी ही है कि अगर चूहा हाथी की तरफ से खड़ा नहीं होता तो हाथी लड़ाई ही नहीं जीत पाता। सुशांत सिंह राजपूत जिसके इंटरनेट पर 10 मिलियन फॉलोअर्स से ज़्यादा हैं और अनुराग बिस्ट जिसे सुशांत की डेथ के पहले गली का कुत्ता भी नहीं जानता था वो उसको इंसाफ दिलाएगा। अनुराग ने सुशांत को इंसाफ नहीं दिलाया बल्कि उसके फैंस को अपना सब्सक्राइबर बनाया है। अगर सुशांत सिंह राजपूत से बड़ी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी रखने वाला कोई इंसान उसके इंसाफ के लिए आगे आता है, फॉर एग्जांपल अमित शाह जैसे उन्होंने सीबीआई जांच के लिए पूछा था, तो इस बात का सहन समझ में भी आता है क्योंकि हाथी की मदद लड़ाई में उससे ज़्यादा बड़ा हाथी या उसके बराबर का हाथी कर सकता है पर चूहा हाथी की मदद नहीं कर सकता, वो केवल क्रेडिट लूटने आता है। तो अब अपन आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, मतलब इंडियन मीडिया। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। यही है इंडियन मीडिया, देख लिया आपने कभी किसी दूसरे देश के जर्नलिस्ट को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है? ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, सिर्फ इंडियन मीडिया में ही ऐसा ड्रामा हो सकता है। एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो फैक्ट्स और फिगर्स को बिल्कुल किसी रोबोट की तरह रीड करके अपने चैनल पर दिखाए और इसके लिए जर्नलिज्म करने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो गलती से भी अपना कोई भी एक्सप्रेशन या इमोशन किसी भी स्टेटमेंट में ना डाल दें क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में अपना इमोशन या एक्सप्रेशन डालने से उसका मतलब बदल सकता है। और हमारे देश का नंबर वन न्यूज़ चैनल जो सबसे ज़्यादा टीआरपी और पैसा कमा रहा है वो केवल और केवल इमोशंस के बेसिस पे कमा रहा है। आपने देखा होगा कि अपने देश में हर कोई बिग बॉस को गाली बकता है लेकिन जब भी वो आता है तो टीआरपी में नंबर वन बनता है। बिग बॉस जैसा वाहियात सीरियल जिसमें चार बेवकूफ़ लोग एक दूसरे को कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं वो हमारे देश में नंबर वन टीआरपी कमाता है। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्णब गोस्वामी का चैनल अभी देश में नंबर वन क्यों चल रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी बिग बॉस देखते होंगे लेकिन कोई बताएगा नहीं, वो तो पता नहीं अपने आप ही उसकी टीआरपी नंबर वन हो जाती है। मंगल ग्रह से लोग आते हैं बिग बॉस देखने और देख के चले जाते हैं। और पिछले साल तक जब भी बिग बॉस आता था तो हर कोई उसको देखता था, उसकी टीआरपी नंबर वन करता था, जबकि उसका होस्ट सलमान खान है और बहुत सारा पैसा उसका सलमान खान को जाता है। तब तक किसी को सलमान खान बुरा नहीं लगता था जबकि वो पहले भी काला हिरन मारने का केस और सोते हुए गरीब लोगों के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा चुका था। पर जैसे ही सुशांत की डेथ होती है सबको एकदम से सलमान खान बुरा लगने लगता है। अनुराग भैया जो सलमान खान को लेजेंड कहा करते थे और उनको लेजेंड साबित करने वाला एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करते थे, एकदम से वो भी उनके हेटर बन जाते हैं और हर वीडियो में सुशांत की तरफ से खड़े होकर सलमान खान को गाली बकने लगते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिक्कत यह है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के नाम की ढाल बनाकर टीआरपी और पैसा कमाने का काम करते हैं और अगर इंटरनेट पर या कहीं पर भी किसी भी इंसान ने इनके खिलाफ कुछ भी बोला तो मतलब वो पीआर टीम का हिस्सा है करने वाले हैं। इसका मतलब ये पीआर टीम अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, इसीलिए जो है हर चीज में सुशांत सिंह राजपूत केस को दबाया जा रहा है। पहले आप नोटिस करना ट्विटर पे सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जस्टिस के नाम पे बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड होते थे, कम से कम टॉप 10 में कम से कम 2 या 3 हैशटैग तो होते थे। लेकिन अब आप नोटिस करना पिछले 2-3 दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि ट्विटर पे सुशांत सिंह राजपूत के हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। जो आज का हैशटैग है वो 25th नंबर पे चल रहा है, इससे पहले सारे हैशटैग नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 या टॉप 10 में तो पक्का होते थे, यानी कि जो है बहुत तरीके से आवाज दबाने की कोशिश करी जा रही। जस्टिस फॉर SSR एक हैशटैग था, एक मोमेंट था जिससे सुशांत सिंह राजपूत का केस CBI के हाथों में जाए। एक बार जब यह केस CBI के हाथ में पहुंच चुका है तो देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि बस हैशटैग Justice for SSR करती रहेगी, बिकॉज उन्हें भी पता है कि अब CBI के हाथ में पहुंच चुका है तो जस्टिस मिल जाएगा। तुम सीधी सीधी बात ये नहीं बताते कि जब इंटरनेट पर जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड नहीं करेगा तो तुम्हारे चैनल पर पड़ने वाले इंप्रेशंस कम हो जाएंगे और तुम्हारे चैनल पर आने वाले व्यूज़ भी कम हो जाएंगे। इसमें कोई पीआर टीम का हिस्सा नहीं है, किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस से लाखों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, हज़ारों लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, देश की इकॉनमी टूट चुकी है
वो भी परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद पूरे अगले 10 साल तक हम लोग हैशटैग जस्टिस फॉर SSR करते रहेंगे। एक बार CBI के हाथ में केस चला गया है तो अब इंसाफ मिल जाएगा। पर तुम ये बोलो कि तुम्हारे चैनल पर तुम्हें व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आने एकदम से कम हो गए हैं क्योंकि तुम्हारे चैनल का सिर्फ वही कंटेंट था, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। पहले तो इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ मैं बोल रहा था, जिसकी वजह से अनुराग के कुछ फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे गाली बक रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं PR टीम का हिस्सा हूँ। पर अब तुम लोग ये भी देख लो कि लक्ष्य चौधरी और अल्वेश यादव जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनका सब्सक्राइबर बेस अनुराग से भी ज़्यादा बड़ा है, वो भी उसे टारगेट करके वीडियो बना रहे हैं और मज़े की बात उनका वीडियो मेरे वीडियो के बाद आया है। अब ये बोलो कि वो भी PR टीम का हिस्सा है और वो भी व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, उन्हें भी करण जौहर ने पैसा खिलाया है, नहीं बोलोगे ना? ऐसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि ऐसा हम लोग किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, बल्कि तुम लोग भी नहीं लगा सकते जब तक वो इंसान कोर्ट में गिल्टी प्रूव ना हो जाए। अब चाहे वो रिया हो, रिया का भाई हो, रिया का खानदान हो, भतीजा हो, कोई भी हो, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक कोर्ट उसको बता ना दे कि बहन जो तुम मुजरिम है। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स रखूंगा, बल्कि कुछ वैलिड पॉइंट्स रखूंगा जिसे सुनकर तुम भी कहोगे कि एलिस भाई देखो कह तो तुम सही रहे हो। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे जो यार सुशांत की डेथ के बाद ना रोज किसी बहन जो वीडियो बना रहे, कम से कम 100-150 वीडियो निकाल दी होगी उन्होंने। सुशांत का मर्डर है, साजिश रची है, इसने करा, बहन तो खुला नाम ले रहे हैं कि इसने कत्ल करा, ना कुछ एविडेंस है, घर पे CBI की दुकान खोल रखी है। तो भाई आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज है, मतलब उन यूट्यूबर्स को एक छोटा सा मैसेज है कि प्लीज ऐसे मत करो यार, तुम्हारी इज्जत भी डाउन हो रही है दूसरों की नजरों में, प्लस ऐसे किसी और के पचड़े में नाक देना ठीक बात नहीं है। टू द पीपल जो कभी ये बोलेंगे कि भाई सुशांत के लिए वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सुशांत की डेथ के तुरंत बाद एक वीडियो बनाई थी जो मुझे फील हुआ था, ठीक है? उसके बाद जब बहुत ज्यादा हुआ ये वीडियो बनानी पड़ी, और भी यूट्यूबर्स ने बनाई हैं और अच्छी वीडियोस बनाई हैं जिन लोगों ने भी इन लोगों को एक्सपोज किया, सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, इसलिए मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता था, सारी चीज़ें एक वीडियो में घुसा दी। मैं बार बार सुशांत का नाम लेके वीडियो भी नहीं बनाना चाहता और फ्यूचर में भी नहीं। लेकिन अब कुछ लोग आ सकते हैं इनमें से जो बोलेंगे मेरे नाम पे व्यू छापे, मेरे से जल रहा है ये, उनका बताया मैंने 10,000 व्यूज़ नहीं आते थे, अब लाखों आ रहे हैं। हमें पता है क्यों वीडियो बन रही है, क्यों वे न्यूज़ चैनल बन गए, क्यों खुद जजमेंट पास करने। तो अगर उनमें से कोई आया तो मुझे मजबूरन डेडिकेटेड रोस्ट मारना पड़ेगा, और सच में बहुत प्रूफ है मेरे पास। ये स्टीव हवूफ तो आएगा नहीं यार, टकलू अंकल को तो इतनी फुर्सत नहीं होगी, लेकिन कोई आया तो पक्का डेडिकेटेड रोस्ट मारूंगा, और उसी के लिए मैंने प्रूफ रख लिए थे, इस वीडियो में नहीं दिए थे, क्योंकि ये वीडियो तो एक कम्बाइंड मैं मैसेज देना चाहता था बस। मैं चाहता नहीं हूँ और मैं बनाऊंगा भी नहीं, अभी और टॉपिक हैं फ्यूचर में वीडियोस के, क्योंकि जैसे जैसे स्पॉन्सर हैं तुरंत टॉपिक आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी आया इनमें से ये बोलने या मिसलीड करने, इनका चैनल ही पूरा मिसलीडिंग पे बना हुआ है, बिल्कुल एज पे आ चुका जाने की, आजकल यूट्यूब उड़ा भी रहा है ऐसे चैनल्स को, तो वो प्रूफ मैंने रख लिए हैं, स्टोर कर दिए एक ड्राइव में। मैं चाहता नहीं उनको कभी यूज़ करना पड़े, पर करूँगा इनकी 45-40-50 वीडियोज़ में, और जो इन्होंने डिलीट भी कर दी उसके बाद गलत साबित होने के। खैर अभी कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है, वेट करते हैं कौन क्या करता है, कोई माफ़ी मांगता है पर्सनल DM में आके बातें क्लियर करता है, या फिर यहाँ पे भी व्यूज़ खाने के लिए माई रिप्लाई टू बड़े बड़े लक्ष्य चौधरी पूरे कैपिटल लेटर्स में, आई एम रेडी ब्रो, फुल फन करेंगे, फुल मस्ती विद फ्रेंड्स कर देंगे। इन लोगों ने अपने वीडियो में डायरेक्ट अनुराग बिष्ट का नाम नहीं लिया, बट ऑब्वियसली इन लोगों का मल्टी मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, अगर ये अपने वीडियो में उसका नाम भी ले देते हैं तो इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अनुराग के वीडियोस देखने चले जाएंगे और उसको बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। पर इनके वीडियोस को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनुराग को गाली बकते हैं लेकिन अर्णब गोस्वामी को भगवान मान के बैठे हैं, कि रिपब्लिक TV ही है जिसने सुशांत के लिए फाइट किया, सुशांत की तरफ से खड़ा हुआ, तुम क्या जानो, तुम तो नेपोटिज्म वाले हो। तो मैं तुम लोगों को अर्णब गोस्वामी के कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, बिफोर पेमेंट और आफ्टर पेमेंट वाले। ये वीडियोस पिंग ह्यूमन नाम के एक यूट्यूब चैनल ने अपलोड किए हैं, जो ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करता रहता है, जिसकी वजह से इसका कंप्लीट चैनल डिमोनेटाइजेशन हो गया है और इसका ज्वाइन बटन भी इससे छीन लिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस चैनल को भी यूट्यूब से उड़ा दिया जाए, बिकॉज ये सच्ची बात हर किसी के सामने रखता है और सरकार को एक्सपोज करता है। अनुराग को गाली बक के अर्णब गोस्वामी को भगवान मानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जेब कतरे को फांसी की सज़ा देने के बाद टेररिस्ट को माफ़ कर देना। मैं अर्णब के कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूँ और आप ही डिसाइड करिए कि क्या सही क्या गलत है। ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उसको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get, you know, his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. Thank you, thank you. You've had a very, very good track record. अभी आपकी positioning जो है वो है development oriented chief minister. Now people say that you work 18 hours a day. मुझे पता नहीं आप दिन में, लोग कहते हैं हम 18 घंटा काम करते हैं। 24/7 chief minister कहा जा रहा है आपको। That you are a 24/7 chief minister.
और कई सारे सीरियस केस है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शन 147, 148, 153A, 295, 297. दीज आर योगी आदित्यनाथ वर्ड्स. इफ आई आस्क फॉर ब्लड दे विल गिव मी ब्लड एंड आई विल नॉट स्टॉप टिल आई टर्न उत्तर प्रदेश एंड इंडिया इनटू अ हिंदू राष्ट्र. तो जब आप कहते हैं कि आई विल नॉट स्टॉप टिल आई टर्न यूपी एंड इंडिया इनटू अ हिंदू राष्ट्र, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. Now speak like. बाबा रामदेव कहते हैं मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ सिर्फ देश के लिए करता हूँ. तो मैं कल जब बाबा रामदेव को बुलाऊंगा प्रोग्राम में तो उनके पूछूंगा कि देश के भविष्य के लिए नूडल्स जरूरी क्यों है. आज पता नहीं दाल तूर दाल के दाम क्या है और टमाटर कोई आम आदमी खा सकता है कि नहीं, मगर जब ये सब चल रहा हो तो बाबा रामदेव बहुत जोर शोर से कर रहे हैं रामदेव नूडल्स खाइए. इफ पतंजलि नूडल्स इज सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड अप्रूवल्स फ्रॉम द FSSAI, एज पर द FSSAI, shouldn't we ask if they were a beneficiary of some largesse from someone within the government to sell the noodles? Or does no government official matter anymore when the person on the other side is Baba Ramdev? No, first of all, a small word of introduction. Nobody would have thought 10 years back that this gentleman sitting here, who is a symbol of simplicity in his personal life, would be saying that I will be the number one FMCG company in the country. Way over 10,000 crores their turnover, but the story is not in the turnover. The story is in the battle and the fight of Baba Ram. Your lifestyle is simple. You eat simple, you wear simple. So what motivates you if it is not personal wealth? What is making you do this? You are a man on a mission. तो आप अपने कस्टमर्स को मिसलीड क्यों कर रहे हैं ये पुत्र जीवक बीज के नाम को यूज करके, जिसे आप खुद कह रहे हैं इससे भ्रम फैलता है. आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? इफ दिस इज अ मेडिसिन टू क्योर इम्पोटेंसी राइट फॉर फर्टिलिटी, देन यू शुड कॉल इट संतान जीवक बीज. तो इस बात का जवाब प्लीज दीजिए, अवॉइड मत कीजिए. आप थोड़ा लग रहा है हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा आप अवॉइड कर रहे हैं, छुप क्यों रहे हैं इस बात से? यू आर मिसलीडिंग पीपल रामदेव जी, प्लीज अंडरस्टैंड. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, यू गिव अस होप. Fantastic, Swami ji. What a beautiful introductory comment. पहले तो मैं I am very moved by what you said. I am very very honored and humbled by what you said. It means a lot to me. Best of luck to you. तो अगर अभी भी तुम ये मानते हो कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक टीवी आगे आया, या सिर्फ रिपब्लिक टीवी की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत को आज इंसाफ मिला है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. तो जो इंसान पैसे और TRP के लिए कभी भी अपनी पार्टी बदल सकता है, तुम्हें लगता है वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए इतना नाटक कर रहा है? वो इतना नाटक इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने देश की जनता सुशांत के नाम पे भावुक है और वहाँ से बहुत ही आसानी से बहुत हैवी TRP जनरेट की जा सकती है. तभी रिपब्लिक TV पिछले कुछ महीनों में नंबर वन चैनल बन चुका है. अर्णव गोस्वामी जानता है कि अगर जर्नलिज्म को जर्नलिज्म की तरह करा गया तो वो DD न्यूज़ की तरह बोरिंग हो जाएगा, तो उसमें कुछ मसाला डालने की ज़रूरत है. इसलिए अपने न्यूज़ चैनल में मसाला डालने के लिए कुछ भी करो, नाटक करो, ड्रग दो कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर मीम्स बन जाएं, तुम फेमस हो जाओ, मीम पेजेस पे तुम्हें प्रमोट कर दिया जाए और लोग घूम फिरकर तुम्हारा ही न्यूज़ चैनल देखने आए. अगर आपको लगता है कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसी बात करता हूं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूं, तो मेरे पहले भी और मेरे बाद में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं और अर्णव गोस्वामी को एक्सपोज कर चुके हैं. पहले अखबार छप के बिकते थे और आजकल बिकने के बाद छप रहे हैं. अर्णव गोस्वामी पिछले 3 महीने से नेपोटिज्म की वकालत कर रहे हैं और अपने खुद के चैनल में अपनी वाइफ को न्यूज प्रोडक्शन में और एडिटर्स हेड बना रखे हैं. अगर कोई बिल पास हो रहा है तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. फायदा बताने के लिए सुधीर चौधरी और नुकसान बताने के लिए रवीश कुमार. अभी रिसेंटली हमारे इंडिया TV ने बताया कि हिमेश रेशमिया को एलियन उठा के ले जाएगा. तो एक तरह से गवर्नमेंट भी इनकी ग्राहक है. कोई अपने ग्राहक के ही अगेंस्ट में जाएगा तो उसकी दुकान बंद होना तय है. काम सारे न्यूज चैनल एक ही जैसा कर रहे हैं, बस इन्होंने गुट अलग अलग पकड़ रखे हैं. उसमें नीरा राडिया बरखा दत्त को समझा रही है कि अगले कॉलम में किस नेता को ऊपर रखना है, किस नेता को नीचे रखना है. पूरी सौदेबाजी चल रही है. बाहर की कंट्रीज में सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको क्लियर करती है, और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलती है और लोग आके सोशल मीडिया पे उसको क्लियर करते हैं. मैं अर्णव गोस्वामी को एक जर्नलिस्ट नहीं समझता. मेरी राय में ये देश का सबसे बायस्ड, सबसे ज्यादा प्रोपोगेंडा फैलाने वाला, सबसे कम न्यूज दिखाने वाला नॉइस चैनल है रिपब्लिक TV, और ये नॉइजी जर्नलिस्ट है. लेकिन ये मेरी राय है, यहाँ पर आपकी कोई और राय होगी. ऐसे बहुत से लोग हैं देश में जो अर्णव गोस्वामी को देश का बेस्ट जर्नलिस्ट समझते हैं. आज की इस मीडिया सोशल मीडिया वाली दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति एक इन्फ्लुएंसर है,
कॉलेज ड्रॉपआउट से लेकर 40 साल का बेरोजगार आदमी तक आपको इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दूसरे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अपनी थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग रखिए, अपनी एक मेंटेलिटी, एक आइडियोलॉजी रखिए। इंटरनेट पर किसी चीज़ को देखिए तो उसको ध्यान से समझिए और उसको 2-3 जगह क्रॉस चेक करिए। मेरे इस कॉन्टेंट को भी 2-3 जगह क्रॉस चेक करिए, उसके बाद ही विश्वास करिए। नहीं तो फिर कोई भी इंसान आएगा और आपसे बोलेगा मुझे सब्सक्राइब करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो अगर आप हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, क्योंकि अगले वीडियो तक अगर मेरे 15,000 सब्सक्राइबर नहीं पहुंचे तो पक्का पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इस वीडियो में मुझे कम से कम 1,000 लाइक चाहिए, क्योंकि अगर 1,000 लाइक नहीं मिले तो पक्का पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इस वीडियो में मुझे इंस्टाग्राम में कम से कम 1,000 और फॉलोअर्स चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर फॉलोअर्स नहीं बढ़े तो पक्का पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में कम से कम 500 कमेंट चाहिए, क्योंकि अगर 500 कमेंट नहीं आए तो पक्का पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्रग दो मुझे ड्रग्स दो।